वेलकम बच्चों, आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण के अंदर संज्ञा लेकर के आए हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराते हैं या उनके नाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, गंगा, गाय, सेब, हैदराबाद आदि। निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर संज्ञा को पहचाना जाता है। कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होते हैं और कुछ अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक शब्द जैसे बच्चा, भैंस, चिड़िया, आदमी, रमेश आदि। अप्राणीवाचक शब्द किताब, मकान, रेलगाड़ी, रोटी, पर्वत। नंबर दो, कुछ संज्ञा शब्दों की गिनती की जा सकती है और कुछ की गिनती नहीं की जा सकती। जैसे आदमी, पुस्तक, केला की गणना होती है, इसलिए ये गणनीय है। दूध, हवा, प्रेम की गणना नहीं हो सकती, इसलिए ये शब्द अगणनीय संज्ञाएँ कहलाते हैं। संज्ञा पद वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक आदि की भूमिकाएँ निभा सकता है। जैसे नंबर एक, शीला खेल रही है। इसमें कर्ता शीला है तो ये कर्ता के रूप में प्रयोग हुई है। नंबर दो, मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन जो कर्म कर रहा है वो कर्म के रूप में। रमेश छात्र है। रमेश जो है वो छात्र है, ये एक पूरक के रूप में। संज्ञा पद के बाद परसर्ग आ सकते हैं, जैसे ने, को, से, में, पर आदि। यहाँ मोहन ने फलों को डंडे से कमरे में मेज पर। यहाँ पर सब संज्ञा के बाद परसर्ग का प्रयोग हुआ है। नंबर पाँच में, संज्ञा शब्द के पहले विशेषण का प्रयोग हो सकता है। जैसे काला जूता, सफ़ेद कमीज, नया घर, अंधेरी रात, सुंदर गाड़ी। इन संज्ञा पदों के पहले काला, सफ़ेद, नया, अंधेरी, सुंदर विशेषण आए हैं। अब यहाँ संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के भेद तीन होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। नंबर एक, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान और वस्तु का बोध कराती हैं वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे रमेश, कामधेनु, गंगा, हिमालय, भारत आदि। नंबर दो, जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से जाति, वर्ग या समूह का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, नदी, पर्वत, देश आदि। नंबर तीन, भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी गुण, स्वभाव, भाव, स्थिति या अवस्था का बोध कराती है वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ये सभी संकल्पनाएं होती हैं, इनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। जैसे सच्चाई, प्रेम, बचपन, ईमानदारी, शीतलता आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में कब होता है? कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अपने विशिष्ट गुणों के कारण जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होती हैं। जैसे आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। हरिश्चंद्र जो थे एक दानी पुरुष थे। आज के समाज में भी दानियों की कमी नहीं है। हमें जयचंदों से बचना चाहिए। जयचंद एक धोखेबाज व्यक्ति था जिसने अपने ही राजा को, अपने ही सगे संबंधी को हरा दिया था। तो आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है, उनसे बचना चाहिए। किसी न किसी परिवार में विभीषण मिल ही जाते हैं। आपको पता है विभीषण के बारे में, कि आज भी परिवार के अंदर विभीषण मिलते हैं। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कब होता है? जब जातिवाचक संज्ञा शब्द रूढ़ हो जाते हैं और किसी व्यक्ति विशेष को निर्दिष्ट करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, पंडित जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। यहाँ उनका नाम आ जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी।
नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ नेताजी का नाम आते ही सुभाष चंद्र जी आ जाता। पुरी में रथ यात्रा बड़ी सुंदर है, जगन्नाथपुरी जी की। उपयुक्त वाक्यों में पंडित जी, नेताजी, पुरी आदि शब्द कर्म जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जगन्नाथपुरी का बोध कराते हैं। इस प्रकार ये संज्ञाएँ जातिवाचक से व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग होती हैं। यहाँ भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे होता है? जब भाववाचक संज्ञा पद बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे बुराइयों से सदैव दूर रहो, बुराइयाँ ये बहुवचन है। आजकल दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं, दूरियाँ भी बहुवचन है। यानी कि जब भाव बुराई भाव है, दूरी भाव है, जब ये बहुवचन बन जाती हैं तब ये जातिवाचक संज्ञा हो जाती हैं। बच्चों, आज की वीडियो में जो संज्ञा के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी, आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखेंगे और याद करेंगे।